ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 है। आज के स्लोगन में हम जानेंगे लकी सितारे कौन हैं और लकी सितारे हम कैसे बन सकते हैं और उनकी निशानियां क्या है। सुनते हैं आज का स्लोगन। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ये है अलौकिक ईश्वरीय परिवार। ज्ञान सूर्य है सर्वशक्तिवान शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे हैं हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया, ब्रह्मा वत्स। और इन सभी ज्ञान सितारों में से भी जो लकी सितारे हैं वो सितारे हैं जो सबसे समीप रहते हैं ज्ञान सूर्य के साथ और ज्ञान चंद्रमा के साथ। वे इसलिए लकी है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियाँ प्राप्त करते रहते हैं और ज्ञान चंद्रमा से ज्ञान की शीतलता प्राप्त करते रहते हैं और इसी वजह से उनके भाग्य के सितारे मस्तक पर चमकते रहते हैं, अर्थात कभी भी उन्हें किसी चीज़ में मेहनत के अनुभव नहीं होते, बिना मेहनत के सर्व प्राप्ति संपन्न बनते रहते हैं। इसीलिए वे सदा बाप समान और माँ के समान चमकते रहते हैं, सदा कभी चमक कम नहीं होते। इसीलिए उनको लकी सितारे कहा जाता है और इसीलिए कोई भी अंधकार के प्रभाव उन पर नहीं पड़ते बल्कि अंधकार को मिटाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लकी सितारे कब बन पाते हैं, कब बन सकेंगे ऐसे लकी सितारे? लकी सितारे तब बन पाएंगे जब बाप के समीप रह करके सर्व शक्तियों को हम निरंतर रूप से अपने अंदर लेते रहते हैं, सर्व शक्तियाँ अर्थात योग की लाइट और माइट लेते रहते हैं। और दूसरी बात, ब्रह्मा माँ से जो शीतलता की, ज्ञान की शीतलता है, उसे प्राप्त करते रहते हैं। तभी अंदर में जो स्टार है, स्टार जैसे चमकते हैं, अंदर में लाइट और माइट चमकती रहती हैं। तो इसीलिए सदा वे लकी सितारे बनते हैं। अगर बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त नहीं करते और ब्रह्मा माँ से ज्ञान की जो शीतलता है वो प्राप्त नहीं करते तो अंधकार अंदर छाने लगता है। तो जो लकी सितारे होते हैं सबसे पहले वे अपने मन के अंधकार को, बुद्धि के अंधकार को और संस्कारों के अंधकार को दूर भगाने में सक्षम रहते हैं, तभी औरों के अंधकार को भी दूर भगाने में सक्षम हो पाते हैं। कभी भी वे अंधकार के वश नहीं होते, इसलिए वे सदा चमकते हुए माता पिता के सबसे ज़्यादा समीप लकी सितारे कहलाते हैं। ओम शांति।